नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। कृपया कर चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने विचार कमेंट के माध्यम से हमें दें, और कोई सुझाव हो तो वो भी दें, और कोई घटना अगर आपको मालूम है तो आप हमारे ईमेल एड्रेस पे भी लिख के भेज दें और हम उसे अवश्य उस पर वीडियो बनाएंगे, और कोई जानकारी अगर छूटेगी तो हम आपसे वो भी ले लेंगे और सुरक्षा कारणों से आपका नाम भी गुप्त रखेंगे। मित्रों, आज जिस घटना के बारे में मैं बात कर रही हूँ, ये अर्थला है। अर्थला एक जगह है जिसके बारे में आपने सुदर्शन चैनल में भी देखा होगा। ये शायद गाज़ियाबाद के एरिया में आता है, ऐसा सुना है मैंने। अगर कुछ त्रुटि हो तो क्षमा करिएगा, लेकिन अर्थला जगह का नाम सही है शायद। तो यहाँ पर एक घटना हुई है कि एक परिवार, हिंदू परिवार, उनके घर के आगे मुसलमानों ने कुछ भीड़ लगाई लॉकडाउन के वक्त, और वो कुछ गंदी गंदी गालियाँ दे रहे थे। तो उनके घर से लोगों ने कहा कि आप हमारे घर के आगे खड़े होकर गालियाँ मत दें, यहाँ पर मत खड़े हों। इतनी सी कुछ बात हुई, ये लोग गए। उसके बाद 200-300 की भीड़ लेकर, जैसा कि हमेशा होता है, ये आए। और जैसा कि हमेशा होता है कि हिंदू ही पिटने वाला होता है, मार खाने वाला होता है, ये अंदर घुस गए उनके घर में और इन्होंने उनकी महिलाओं को नंगा करने की, आजकल एक नया चलन चला है जिहादियों का, ये आपके घर में महिलाओं को नंगा कर रहे हैं, आके नंगा करके मारने की और उनके साथ सेक्स करने की, यानी कि संभोग करने की कोशिश कर रहे हैं। संभोग भी मैं क्या कहूँ, बलात्कार कहूँगी, क्योंकि संभोग तो पति पत्नी के बीच में हो सकता है, किसी भारी व्यक्ति के बीच में तो हो नहीं सकता। तो ये बाहर से आके उनके साथ ज़बरदस्ती जबरन उनकी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश करने लगे, उनके सम्मान से, मान सम्मान से खेलने की कोशिश करने लगे। आदमियों को इन्होंने रॉडों से पीटा, और हमेशा पेट्रोल बम लाना, आग जलाना, ये क्या हो रहा है? मतलब मैं सुन रही हूँ बिहार में, मैंने उसके लिए रिपोर्ट बनाई, आप देखिए, मैं सुन रही हूँ गाज़ियाबाद में, मैं सुन रही हूँ जमुना पार, मैं सुन रही हूँ दिल्ली के कितने एरियाज़ में, ये क्या हो रहा है? मतलब मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं इतना समझा रही हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा है। मैं ये बोल रही हूँ आपसे, क्या मैं अपनी जान आपके लिए ऐसे ही जोखिम में डाल रही हूँ? मुझे बता दो, ताकि फिर मेरे को इतना दुख ना हो। क्योंकि मैंने सोचा था कि अब जब मैं वीडियोज़ बनाऊँगी तो मैं अपने इमोशंस पर काबू रखूँगी। मतलब आप ये सोचिए कि मेरे दिल में कितना दर्द होता है आपके लिए, कि आपको पता है कितने उठपटांग चिट्ठियाँ आती हैं, कितने उठपटांग चीज़ें आती हैं, जिसके अगर कोई और साधारण सी लड़की हो तो झेल ना पाए। मैं उस मानसिक प्रताड़ना से उबर जाती हूँ, कई चीज़ें मैं आपको बताती नहीं हूँ, लेकिन मैं समझती हूँ कि आखिर ये क्या हो रहा है। लेकिन आप क्यों नहीं समझ पा रहे हैं ये क्या हो रहा है? आपको जब पता है कि आपके इर्द गिर्द ये रहते हैं, ये जहर रहता है आपके इर्द गिर्द, वो गंगा जल में तेजाब लेकर आ सकता है, लेकिन आप अपना इंतज़ाम घर पे नहीं कर सकते। एक मोटर आप नहीं रख सकते, पानी की मोटर होती है वो नहीं रख सकते, आप पेट्रोल नहीं रख सकते, आप उस मोटर को पेट्रोल से कनेक्ट करके उतनी भीड़ पे ऊपर छत पे जाके नहीं डाल सकते। वो भागने भी लगे तो एक माचिस की तिल्ली से सुआ नहीं कर सकते, एक सिलेंडर नहीं फोड़ सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, वो सब कुछ कर सकते हैं। जितनी मार आप लोगों ने खाई, उसका अगर 10% भी आपने साहस दिखा कर आगे बढ़ के कुछ कर लिया होता, और आपके कुछ अपने डिफेंस के लिए कुछ रखा होता घर पे, तो शायद ये जो न्यूज़ के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, और जितना मुझे दुख हो रहा है उतना मुझे नहीं हो रहा होता। आपको नहीं लगता कि अपने किसी व्यक्ति के जाने पर या उसके सम्मान को ठेस पहुँचने पर परिवार के सदस्य को पीड़ा होती हो? तो मेरे लिए भारत एक राष्ट्र, एक घर है जिसकी छत के नीचे मैं रहती हूँ, और ये जो सनातनी है ये मेरा परिवार है, चाहे अपने आप को कुछ कहें, ये मेरा परिवार है। आप जातियों में, वर्णों में विभाजित हो,
लेकिन मेरे लिए प्रत्येक व्यक्ति मेरा अपना है। और बड़ा कष्ट होता है जब मैं आप लोगों को ऐसे पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, भारत अपने देश में मार खाता हुआ देखती हूँ। मत पिटो यार। और दूसरी चीज़, अगर कोई भी हिंदू किसी भी संगठन का है, किसी भी पार्टी का है, ये ज़रा सोचना कि आज अगर सारे हिंदू ऐसे ही मरते रहे, तुम्हारी बेटियों से शादी कौन करेगा, तुम्हारे बेटों को बहुएं कौन देगा। तुम कहोगे ये दे देंगे, लेकिन नहीं, इससे पहले तुम्हें कलमा पढ़ाएंगे, तुम्हारी संस्कृति पूरी ख़त्म हो जाएगी। और जो भारत में आज तुम करप्शन और ये सब करते हो ना, भारत दरिद्र हो जाएगा, दरिद्र। जहाँ जहाँ से हिंदू हट गया है, मिट गया है ना, वहाँ दरिद्र आ गया है। ये तुम बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, ईरान इराक में देख लो, खाने के लाले हैं, सूखा पड़ा हुआ है। जहाँ कभी कहते हैं कि गंगा जो है, गंगा या कोई नदियाँ बहा करती थी, जिसके अलग अलग नाम बोलते हैं, वो सब ड्राई हो गई। पनौतियाँ जब पैदा हो जाती हैं अपशगुन, वो ऐसे ही सब ख़त्म हो जाता है। कोई शहर है जहाँ इनका वर्चस्व ज़्यादा है, केरला वगैरह है ना, केरला में जब ये अपना हिस्सा जमा रहे हैं, ये वहाँ जो मंसूबे बना रहे हैं, हर साल केरला 30 फीट ज़मीन पे जाता है, 20 फीट ज़मीन पे जाता है, यही हाल चेन्नई का है। तो जहाँ जहाँ दुष्ट प्राणी हैं, ख़त्म हो जाएगी धरती, एक दिन परले आ जाएगा। मैं तो भगवान से इंसाफ मांगती हूँ, और भगवान हमेशा पूरा भी करते हैं, कि भगवान अगर इंसान के हाथ में कुछ नहीं है तो आप करिए इंसाफ। और मुझे पता है कि भगवान इंसाफ करते हैं, मैंने कुछ दिनों पहले इंसाफ होते हुए देखा है। इतनी पूजा करी, अचानक से शुरू हो गया, यहाँ हमारे कितने मारे, वहाँ भगवान ने कितने मारे। तो ऐसे ही इंसाफ होता है। आप सोचेंगे मैं बुरी हूँ, हाँ मैं बिल्कुल बुरी हूँ। अगर मेरा शत्रु है उसके लिए मैं बहुत बुरी हूँ, अपने इंसान के लिए, अपना जो व्यक्ति है उसके लिए जान दे सकती हूँ, लेकिन जो शत्रु देश का और मेरे समाज का है ना, सनातन का है, उसके प्राण लेने से मैं कभी चूकूंगी भी नहीं। ये मेरी सोच है। अगर ये सोच गलत है तो मैं गलत ही सही। एक और ये सोच और एक और मेरी सोच, मैं कोई अपीजमेंट में यकीन नहीं रखती। अगर अपीजमेंट है, अगर एकता है, तो वो ऐसी होनी चाहिए कि आप अपना निभाएं, मैं अपना निभाऊं, और आपको मुझसे तकलीफ़ ना हो, मुझे आपसे तकलीफ़ ना हो। लेकिन होता क्या है ना, हिंदू अपने हाथों से ये माहौल तैयार करता है। कभी अति की इति मत करो, और इतना ज़्यादा एकजुट मत होने की कोशिश करो इनसे कि गले की फांस बन जाए, और तुम्हारे घर के बारे में A to Z चीज़ें जानने के बाद तुम्हारे ही घर की किसी बेटी या बहन पर इज्जत पे हाथ डालें, और तुम्हारे ही किसी भाई को मारने का साजिश रचें। मैं गवर्नमेंट से, बस यूपी गवर्नमेंट से यही कहूँगी कि इस मामले को जैसे मीडिया ने दबाया, इस तरह से ना दबाएं। हिंदू संगठनों से आग्रह करूंगी कि आज ये इनके साथ हो रहा है, कल को आपके किसी रिश्तेदार के साथ हो सकता है, इन लोगों का साथ दीजिए। ऐसे तो सारे हिंदू पलायन को मजबूर हो जाएंगे, किधर किधर भागेंगे। हिंदू अपने ही देश में भाग रहे हैं, और वो भी किससे भाग रहे हैं, घुसपैठी आए हुए हैं हमारे देश में। मैं आपको बता रही हूँ ना, ये बिहार में जो कह रहे हैं कि बांग्लादेशियों ने आक्रमण करा, उनके साथ मिलके आक्रमण करा, रियाज और वो जो भी था, रिजवी और जो भी बंदा था उसका, मैंने उस आदमी का मैंने नाम लिया था पहले, तो इस वीडियो में नहीं, दूसरी वीडियो में लिया है। तो आप ये समझिए कि यही इनका साथ जो है यहाँ पर भी, दिल्ली में भी, क्योंकि ये भारत में 9.5 करोड़ हैं, ये चाहे कितना झूठ बोलें, 5 लाख बोलें, 5 लाख कुछ नहीं, 9.5 करोड़ हैं, उसी की वजह से ये इतना नाटक कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि वो ज़मीनें खाली हों। एक कभी भी आपको कोई मुस्लिम ज़मीन बेच रहा है तो उस पर ज़्यादा यकीन मत करिए, क्योंकि हो सकता है वो वहीं पर आपको कटवा फिटवा के पैसे भी ले ले और चीज़ें भी ले ले आपसे। तो ज़रा सतर्क हो जाइए,
ये भी एक लैंड जिहाद की साजिश होती है। और कोई अगर मुस्लिम आपसे लैंड मांग रहा है तो बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि आप जब पहला किराएदार और पहली लैंड उसको बेचते हैं तो धीरे धीरे अपना देश उसको, अपना शहर उसको बेचते हैं। यही हाल केरला में हुआ, गल्फ़ में जा जा के उन्होंने काम कर करके लैंड लेनी शुरू करी। उसके बाद जो हिंदू हैं उनको 1,000 के 3,000 4,000 दाम दिए और आज उन हिंदुओं के पास उतनी लैंड ही नहीं बची। और अगर कुछ होती भी है तो भी अचानक से उनके मरने की, निधन की खबरें आती हैं। सब कुछ पावर, सारी मीडिया, सारा प्रशासन उनके हाथ में है, तो आप सोचिए क्या होगा। अब तो भगवान ही इसको बचा सकते हैं। वैसे भी कहते हैं कि 100 साल में एक बार विश्वमारी आती है, मतलब महामारी, और कुछ सालों बाद, 1,000 सालों बाद परले भी आता है। मुझे लग रहा है सुनामी की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि भगवान ही इस पाप को मिटा सकते हैं धरती से। तुम्हारे बस का तो मुझे कुछ लग नहीं रहा है, तुम्हारी खबरें ही मैं ऐसे देते रहूँगी, किसी दिन मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए तुम्हारी खबरें देते हुए, मेरी तबीयत ना ख़राब हो जाए ऐसे टेंशन से। मतलब दुख से इंसान भरी जवानी में बुज़ुर्ग हो जाता है। हमारे साथ के फ्रेंड्स पार्टी कर रहे हैं, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, और ख़ासकर मेरे फील्ड के तो आपको पता ही है। और मैं अपनी ज़िंदगी आपके लिए झोंक रही हूँ, मैं एहसान नहीं कर रही हूँ, ये मेरा कर्तव्य है, पहले ये बता दूँ, ये मेरा कर्तव्य है, ठीक है। और मेरा अगर किसी के साथ जीवन भी हुआ तो भी मैं ये कार्य करूँगी आपके लिए, जागरूकता का, ये मेरा आपसे वादा है, आप मुझे अगर अपना साथ देंगे। लेकिन साथ देने का मतलब ये नहीं है कि वीडियो सिर्फ सुने और ख़त्म कर दें और बोले अरे ये तो इसने भी कहा उसने भी कहा। मैं आपके हाथ जोड़ के बोलती हूँ कि अपने मोहल्ले से, अपने एरिया से शुरुआत करो और कुछ अपने पास सामान रखो। सामने वाला पेट्रोल फेंक रहा है, पीछे से जाके उसके ऊपर कोई पेट्रोल क्यों नहीं फेंक रहा है, पहले से क्यों नहीं इंतज़ाम है? इतने से पेट्रोल से बहुत कुछ हो सकता है, वो बुझेगा नहीं इजीली, तो उसको जो मज़ा चखेगा ना वो दोबारा कभी नहीं करेगा किसी और के साथ। ऐसा अगर करना शुरू कर दिया आपने कि यहाँ से वो फेंक रहा है, यहाँ से आप भी फेंक दें और चिपक जाएं उसके ऊपर। एक के मरने से ना, अगर आपका निधन भी हो गया उसमें, आपके मरने से सबक मिल जाएगा कि ऐसा 2-4 बार हो गया, ये लोग ऐसा कर देते हैं, इसलिए ऐसी गलती मत करो। यहाँ से वो फेंक रहा है, पीछे से जाके कोई आपका आदमी फेंक दे, वो जब जला रहा है उससे पहले ही आप जला दो। कुछ करो, कुछ सीखो। धूर्त के बाद साम दाम दंड भे, धूर्त के साथ जीतने के लिए कोई पॉलिसी नहीं चाहिए। जैसे लोग कहते हैं ना, हमने इनके साथ, इस मुस्लिम कंट्री के साथ ये करा वो करा, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। अरे भैया, वो नहीं मानते तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट, वो नहीं मानते किसी भी कानून को, वो नहीं मानते किसी भी सिविलाइज तरीके को, वो नहीं मानते किसी भी तरीके को। उनके लिए सब बराबर है, उनके लिए सारी चीज़ें, उनके लिए सब चीज़ बराबर है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे मरने से, तुम्हारे बचने से, तुम्हारी किसी भी चीज़ से उनको फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। उनको ऐसा फ़र्क पड़ने वाला होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। जिन बेशर्मों ने भारत के खिलाफ वोट दिया और यहाँ रहकर इतनी साजिश रची, वो अपना मजहब निभा रहे हैं, वो अपना दीन निभा रहे हैं, लेकिन तुम अपना धर्म नहीं निभा पाए। तुम्हारा धर्म था युद्ध लड़ना, यहाँ से खदेड़ के भगाना। जब वो इतने थे, तुमने उनको 5 लाख को 15-20 करोड़ 25 करोड़ होने का मौका दिया। वो तुम्हारे देश में आ रहे थे तो कुछ लोग उनको 500-500 रुपये लेकर बॉर्डर क्रॉस करा रहे थे। ये गद्दारी अगर तुमने नहीं करी होती, कोई कहता है ना, सही कहता है, अगर इस देश का हिंदू गद्दार नहीं होता तो माँ कसम ये देश कभी गुलाम नहीं होता। हिंदुओं की गद्दारी ने इस देश को ले डुबाया है। और वेट करो, वॉच करो, या तो किसी दिन बुर्का पहनेंगे हम सब, या फिर देखो शूटिंग में पहनना अलग चीज़ होती है, किरदार निभाना होता है, लेकिन रियल लाइफ में बात कर रहे हैं, या तो हम सब किसी दिन बुर्का पहनेंगे या किसी दिन मरे हुए मिलेंगे, अगर हमने शस्त्र नहीं उठाए।
कमाल है ना, एक को कानून का डर नहीं है, एक को कानून का बहुत डर है, लेकिन सेल्फ डिफेंस में भी वो हथियार नहीं उठाते। कैसी कायर लोग होंगे बताओ। इन लोगों के लिए फ़िलहाल मुझे बहुत दुख है, लेकिन इन्होंने भी कुछ करना चाहिए था, जो वक्त रहते इन्होंने करा नहीं, अभी भी बैठ के रो रहे हैं। हिंदू कभी बदला लेने की नहीं सोचता ना, वो 300 थे 400 थे, हाँ इस भारत में तो हिंदू ही नहीं है। आग्रह करते, बुलाते, वहाँ जितने मर्द हैं पता चल जाता कौन है। बुलाओ, तुम भी सबको बुलाओ और करो वही, पूछने जाओ, जो जिसे मारा है उसी के घर में जाके बाहर से पेट्रोल डाल के पूछो, जैसे उसने माचिस जला के हैप्पी बर्थडे कराया वैसे ही पूछो। तुम भी चारों ओर से घेर कर जला के तिल्ली पूछो, जब जब सब कुछ जलने लगे तब उसको और स्प्रे करो उसके ऊपर और बोलो हाँ भैया क्यों आया था मारने के लिए ये बता। चलिए इसी संदेश के साथ आपसे विदा लेती हूँ, और कोई खुशी की बात तो है नहीं, बुरा लग रहा है और बुरा मुझे लगता रहेगा। वक्त से पहले जवानी न ढल जाए, यही बातें बताने में आप, क्योंकि ये जो दुख होता है ना इंसान को अंदर से मार देता है, वही मेरे साथ हो रहा है। मुझे आपकी वाकई में फिक्र है, बहुत फिक्र है, समझो इतने जवान लड़कों को वहाँ पर मार दे रहे हैं, माँ बेटियों की इज्जत को हलाल कर दे रहे हैं, बुज़ुर्ग औरत है उनको मार दे रहे हैं। टीएमसी कहते कौन है, टीएमसी में सारे मुल्ले भरे हुए, 75 साल की औरत को मार गए, कोई दीन मान नहीं है भैया, समझ जाओ। एक 14 साल का लड़का था बिहार में, उसने 80 साल की औरत को बांध कर उसका बलात्कार करा था, तो इसलिए समझ जाओ। कभी तुम्हें कहा जाएगा बीजेपी वाला मर रहा है, कभी कहा जाएगा वो सरदार मर रहा है, लेकिन मर रहे होंगे तुम्हारे लोग ही, तुम्हें ऐसे भटकाया जाएगा। इसी संदेश के साथ जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखो, सुरक्षित रहो, इंतज़ाम करके रहो, बहुत बुरा समय चल रहा है, षड्यंत्र।